देश की बेरोजगारी दर पर इन्हीं गोदी पत्रकारों ने और गोदी एंकर्स ने लगातार माखौल उड़ाया था दोस्तों। लेकिन अब ऐसी हालत हो गई है कि इनके सामने खुद अब बेरोजगार होने की स्थिति आकर खड़ी हो गई है। उसकी दो सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि पहले से ही इंडिया यानी विपक्षी मोर्चे इंडिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि चुनिंदा 14 ऐसे एंकरों की लिस्ट जारी कर दी जिनके नाम और जिनके शो में वो विपक्षी पार्टी के एक भी प्रवक्ता नहीं जाएंगे। यही नहीं, इनको एक से डेढ़ हफ्ते की मोहलत दी गई है, इनको नहीं बल्कि गोदी चैनल्स को एक डेढ़ हफ्ते की मोहलत दी गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर इन गोदी एंकर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जहां जहां विपक्षी पार्टी जो इंडिया मोर्चे में शामिल है वहां वहां जहां जहां उनकी सरकार है वहां वहां इन गोदी चैनलों को विज्ञापन मिलना बंद हो जाएगा। अभी ये जारी नहीं किया गया लेकिन इस पर भी काम किया जा रहा है। उसके बाद ये बहुत बुरी तरह से बौखला गए, लगातार इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। कोई चीख रहा है चिल्ला रहा है लेकिन अगर आपको इतना फर्क पड़ता ही नहीं है तो चीख क्यों रहे चिल्ला क्यों रहे। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल खड़ा होता है, जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, यानी समूचे जो विपक्षी मोर्चा है इंडिया की तरफ से ऐसे गोदी एंकर जो दिन भर साहेब की राग अलापते रहते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, ऐसे गोदी एंकरों के कार्यक्रम में अपने अपने प्रवक्ताओं को भेजने से इनकार कर दिया गया, बैन लगा दिया गया, तो इसे आपातकाल बता रहे हैं। लेकिन इसी देश के एक पत्रकार जो सरकार से सीधा सवाल पूछते हैं, यकीन मानिए पिछले एक महीने से उनके कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता भेजा नहीं गया है। उस पर ये चीखते चिल्लाते नहीं है, छाती नहीं पीटते। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आज इन्हीं गोदी एंकरों की पोल खोलने के लिए मैं आया हूं जो लगातार बड़ी बड़ी डींगे हांकते हैं। आज तक आपने इनके एक भी शो में कभी बेरोजगारी दर पर बात करते हुए सुना है, देश की अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए सुना है। कोरोना काल में तो ये बढ़ चढ़कर साहेब की भक्ति करने में लगे हुए थे, ताली पीटने और थाली बजाने को सबसे साधारण और बड़ा आसान तरीका और उपचार बताया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही ताली बजाई जाएगी और थाली पीटी जाएगी तो इस देश से कोरोना भाग जाएगा। किस तरह के हालात उस वक्त थे पूरे देश ने देखे थे और यह सब गोदी एंकरों का करा धरा था। बालासोर हादसा, जहां साहेब के पसीने की चिंता ज्यादा हो रही थी, वहां 300 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी, वह मातमी आवाजों के बीच यही गोदी एंकर थे जो जा जाकर बता रहे थे कि तपती दोपहरिया में साहेब वहां बालासोर हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे और पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे। ये ऐसा सोचते हैं। आपको याद होगा गुजरात के मोरबी में एक पुल गिर गया था तो यही गोदी एंकर थे जो बता रहे थे कि सरकार की गलती नहीं है बल्कि गलती किसकी है वहां उस पुल पर जाने वाले लोगों की। ये तमाम चीजें इस देश ने देखी हैं अपनी आंखों से लेकिन अब इन पर बैन लगा दिया गया है। विपक्षी मोर्चे ने जो ऐलान किया वो सबको पता होगा, कौन कौन से 14 एंकर्स हैं जिनके खिलाफ ये बैन लिया एक्शन लिया गया है ये सबको पता होगा। लेकिन एक बात शायद आपको अब तक पता नहीं होगी, वो बात यह है कि इसी देश के एक बड़े पत्रकार जो एक बड़े चैनल में अपना प्रोग्राम रोज लाते हैं लेकिन पिछले एक महीने से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक प्रवक्ता नहीं भेजा। लेकिन ये छाती नहीं पीटेंगे, ये नहीं कहेंगे कि आपातकाल आ गया, कि लोकतंत्र पर इसी देश के संविधान के चौथे स्तंभ पर ये तमाम चीजों का जिक्र नहीं किया जाएगा कि कैसे प्रहार किया गया था। सबसे पहले जो 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 रिएक्शन निकलकर सामने आए हैं किस तरह से गोदी एंकर छाती पीटने का काम कर रहे हैं, बार बार लोकतंत्र संविधान का हवाला देते नजर आ रहे हैं, वो हम आपको पढ़कर बता देते हैं। इन्होंने अलग अलग ट्वीट किया है, अलग अलग हम आपको ट्वीट दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले रूबिका लियाकत जी का हम आपको ट्वीट दिखाते हैं। ये कैसी एंकर हैं, क्या करती हैं, कि अपने शो में किसकी भक्ति करती है किसकी नहीं है आप सब जानते हैं। जैसे ही बैन लगाया गया विपक्षी मोर्चे की तरफ से यानी इंडिया की तरफ से, उनमें इनका भी नाम है, तो इनका कहना है, इन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि इसे बैन करना नहीं इसे डरना कहते हैं, इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हां में हां मिलाने वालों की, वो ना कल किया था ना आगे करूंगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत को परोस रहे हैं। सवाल बैलेंस थे और हैं और आगे भी रहेंगे। जय हिंद। ये इस तरह का इन्होंने पूरा का पूरा ट्वीट किया है कि देखने के बाद एक बार की लोग कहेंगे कि वाकई बात तो बिल्कुल सही कही है। लेकिन उन्होंने मणिपुर में जिस तरह की घटना घटी थी उस पर साहिब की चुप्पी पर एक सवाल नहीं किया था,
ये सारा का सारा सवाल राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमेगा, अखिलेश यादव के इर्द गिर्द घूमेगा, ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूमेगा, पश्चिम बंगाल पर घूमेगा, छत्तीसगढ़ पर घूमेगा, राजस्थान पर घूमेगा, लेकिन हरियाणा में जिस तरह से उत्पात हुआ था उस पर सवाल पूछने की हिम्मत यह भी नहीं कर पाती। और सुनिए, नैतिकता की दुहाई देती है। एक और है, सुधीर चौधरी साहब के बारे में तो आप जानते ही हैं। हाल ही में उन्होंने कार्यक्रम चलाया था कांग्रेस की कर्नाटक सरकार के खिलाफ। कर्नाटक में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खदेड़ के बाहर भगा दिया गया है, तब से ही तमाम कमल छाप जो नेता है उनकी पेट में मरोड़ तो उठी रही है। जो तमाम गोदी एंकर है, चरण चुंबक है या चरण चाटुकार है, वो भी लगातार इसी बात को उठा रहे हैं कि कांग्रेस जैसे ही कर्नाटक में आई है, मानिए वहां पर तानाशाही चल रही है। इन्होंने कार्यक्रम चलाया था जो साहेब को समर्पित होता है कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में जमकर झूठ और अफवाह फैलाने का काम किया गया था। उसका तोहफा भी इनको मिल चुका है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन इन्हें लगातार बचाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही इनका नाम भी उसी लिस्ट में शामिल किया गया यानी बैन लगाया गया, तो यह भी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के सामने जो पत्रकार और न्यूज एंकर डटकर खड़े हैं, इनकी भाषा शैली समझिए और आगे बताता हूं क्यों कह रही है, जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, अब उनका बहिष्कार होगा। सबसे पहले तो बताइए, इंडिया गठबंधन के सामने जो पत्रकार और न्यूज एंकर डटकर खड़े हैं, जो गठबंधन में शामिल है, अगर उनकी सरकार में कोई गलत काम होता है तो वो लगातार आप दिखाते भी हैं साहब। लेकिन जरा ये बताइए कि बारासूर हादसा, हरियाणा, मणिपुर, मोरबी हादसा, ये वाले थे मोरबी हादसे के दौरान जो बता रहे थे कि जनता की गलती थी जो भारी तादाद में उस पर चढ़ गई थी, उसमें साहेब की गलती नहीं थी। ऐसे ही पत्रकार है जो जनता को दोषी करार दे देते हैं, और 2000 के नोट पर तो उनका ज्ञान आपको याद ही होगा जब ये जी न्यूज में हुआ करते थे। खैर, ये बताते हैं कि डटकर खड़े हैं। डटकर खड़े होने का धर्म क्या है, एक पत्रकारिता का धर्म क्या है, एक पत्रकार का धर्म क्या है, वो जरा पूछना चाहिए। विपक्ष और पत्रकार मिलकर सीधे तौर पर सरकार से सवाल करते हैं, लेकिन ये विपक्ष से सवाल करते हैं। इनकी नजर में अगर कोई गलती है तो वो नेहरू की है, इनकी नजर में कोई गलती है तो इंदिरा गांधी की है, राजीव गांधी की, यानी कांग्रेस पार्टी की है। इस दौर में भी इनके हिसाब से भी 2014 के बाद से ही देश आजाद हुआ, इनकी मानसिकता देखकर लगता है। ये कहते हैं डटकर खड़ा है, डटकर आपको खड़ा होना है सरकार के सामने, यही तो बात है, तभी तो गोदी मीडिया कहलाया जाता है, गोदी एंकर कहलाए जाते हैं। आगे लिखते हैं, लगभग आधे भारत में इस गठबंधन की सरकार है, जब लालच, पुरस्कार और एफआईआर भी काम ना आए तो बहिष्कार। भारत के मीडिया को पूरी ताकत और एकता के साथ इसका जवाब देना चाहिए, बहुत खतरनाक स्थिति है। यही नहीं, अब आपको हम उस खबर पर लेकर चलते हैं जिसे दबाने की कोशिश लगातार कमल छापों की तरफ से भी की जा रही है। गोदी एंकर कभी आवाज उठाने उस पत्रकार के लिए आए नहीं, आज जब इनको बैन किया जा रहा है तो बता रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, छाती पीटी जा रही है कि भाई लोकतंत्र पर हमला हो गया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हो गया, संविधान की धज्जियां विपक्षी पार्टी उड़ा रही है। लेकिन कभी कमल छापों से जाकर पूछा कि एबीपी न्यूज पर जो कार्यक्रम लेकर आते हैं संदीप चौधरी, उनके शो का बहिष्कार पिछले एक महीने से लगातार जारी क्यों रखा गया है? क्योंकि संदीप चौधरी खरे खरे सवाल सरकार से करते हैं। आप ये वैसे भी सोचिएगा, अगर देश में किसी की सरकार है, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक सोचिए, किसी भी पार्टी की, किसी भी दल की सरकार है, योजनाएं कौन बना सकता है, कौन तमाम एजेंसियों को हाथ में लेकर काम करवा सकता है, कौन नए नए कानून लागू कर सकता है, ये सब काम क्या इस दौर में कांग्रेस पार्टी कर सकती है? भाई वो तो सिमटी हुई है ना, तो सवाल किससे करना चाहिए? अगर योजनाएं फेल होती हैं, अगर मणिपुर में जहां पर आपकी खुद की सरकार है वहां पर कुछ होता है, गुजरात में आपकी सरकार है मोरबी हादसा हो जाता है, बालासोर में इतने लोग जान गंवा देते हैं, उस पर सवाल किससे पूछा है? कांग्रेस से पूछा जाए? मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय किसके हाथ में? कांग्रेस पार्टी के हाथ में? अलग से दे दिया गया? नहीं ना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 जवानों की शहादत के बाद सवाल किससे पूछा जाए? उन्हीं से तो पूछेंगे जो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर मंच पर खड़े होकर लगातार चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हीं के कारिंदों ने जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। हमारे देश की सेना ने नहीं, उन्होंने जाकर किया, ऐसा लग रहा था। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, सेना के नाम पर वोट किसने मांगे थे? झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है इन कमल छाप नेताओं को भी और इन गोदी एंकरों को भी। सुनने, सुनाने और अपने कार्यक्रम में परोसने की आदत है, झूठ और अफवाह फैलाना इनका धंधा और काम बन चुका है, यही एक वजह है। इसलिए इन्होंने अभी तक इस मामले पर कभी सवाल नहीं पूछे। इन्होंने नहीं पूछा कि जिस वक्त हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए थे, ठीक उसी वक्त साहिब मुस्कुरा रहे थे, हाथ हिला रहे थे, पुष्प वर्षा से खुश हो रहे थे, जश्न मना रहे थे, वो भी किसके लिए? G20 सम्मेलन के लिए, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही तो सवाल पूछते हैं।
संदीप चौधरी एबीपी न्यूज में है। एक महीने से वो लगातार अपने अलग अलग मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, सरकार से वही सवाल पूछ रहे हैं जो एक पत्रकार को पूछना चाहिए। हो सकता है अभी ये कह देंगे कि नहीं, ये सब झूठ है, हम तो सीधे सवाल पूछते हैं, आप विपक्ष से क्यों पूछते हैं, विपक्ष से सवाल पूछ कैसे लेंगे। लेकिन अब जो मेन बात है वो आपको बताने जा रहे हैं। अजीत अंजुम है, बड़े पत्रकार है, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उनका ट्वीट भी देखिए आपको दिखाने जा रहा हूं, फुल स्क्रीन पर भी हम आपको दिखाते हैं। इस ट्वीट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी इस दौर में हो गया है दोस्तों। ये लिखते हैं कि मोदी की सत्ता के सामने चरण चुंबक बने एंकर्स के बहिष्कार पर छाती पीट रहे बीजेपी नेताओं को बताना चाहिए कि एक महीने से संदीप चौधरी के शो का बहिष्कार क्यों रखा है, बीजेपी ने संदीप चौधरी के शो में प्रवक्ता नहीं भेजने का फैसला क्यों किया, भेजा नहीं जा रहा है। कोई बीजेपी का प्रवक्ता आपको पिछले एक महीने से संदीप चौधरी जी के कार्यक्रम में नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो समझ चुके हैं जब जब संदीप चौधरी को सवाल पूछते हैं उस पर अंट शंट बयान नहीं चल पाएंगे, वह कांग्रेस के प्रवक्ता को हांकने का काम नहीं चलता, विपक्ष को हांकने का काम नहीं कर चलता, बल्कि सरकार से सीधे और सटीक सवाल पूछे जाते हैं। वह यह नहीं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता लड़खड़ाने लगे तो एंकर बीच में कूद पड़े, भाई सरकार जिसकी है उससे सवाल पूछे जाएंगे ना, वही काम करने का काम संदीप चौधरी करते हैं। संदीप चौधरी बीजेपी की सत्ता से सीधा सवाल पूछते हैं, किसी तरह इतने सालों तक बीजेपी उन्हें झेलती रही, फिर 15 अगस्त को यह फैसला लिया गया, यह पूरी अजीत अंजुम जी ने अपना ट्वीट किया है। तो बिल्कुल पूरा सार इसका मिलाकर यह है कि जब ये करते हैं, यानी कमल छाप पार्टी के नेता अपनी आलोचना नहीं सुन पाते, तो एनडीटीवी का हाल क्या कर दिया था हर किसी ने देखा, वो बात अलग है कि एनडीटीवी आखिरकार बिक गया। लेकिन उससे पहले किस तरह से रवीश कुमार से अपनी खुन्नस निकालते थे हर कोई जानता है। हालत यह है दोस्तों, हकीकत बता दें कि इस दौर में अगर विपक्षी मोर्चे ने यह फैसला ले लिया कि जहां जहां उनकी सरकार है जिन राज्यों में वहां से विज्ञापन देना बंद कर दिया, तो ऐसे गोदी एंकर बेरोजगार हो जाएंगे। और यूट्यूब पर जो तमाम हमारे और राष्ट्रवादी एंकर या पत्रकार गए हुए हैं, जिसमें रवीश कुमार हैं, जिसमें आप अजीत अंजुम हैं, आप देखिएगा पुण्य प्रसून वाजपेयी जी अभिसार हैं, साथ ही आप नवीन कुमार जी को सुनते होंगे, ऐसा यूट्यूब चैनल चलाने की इनमें हिम्मत और ताकत बची नहीं है। नमस्कार।